खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ देर रात से लगातार जारी है। इस मुठभेड़ में एक जेसीओ और एक जवान घायल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। शोपियां के कुमदलान गांव के एक घर में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिल रही है, जिसको देखते हुए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और अब इसके बाद आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग भी शुरू कर दी है। जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों पर फायरिंग की। रात से ही दोनों ओर से लगातार फायरिंग जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकवादियों को बचाने के लिए स्थानीय लोग जो हैं वो सुरक्षा बलों पर पथराव भी कर रहे हैं। अजय जंडेल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजय, दो सवाल उठते हैं यहाँ पर। एक तो ये कि फिलहाल ताजा हालात क्या है, क्या चल रहा है, किस तरह की स्ट्रेटेजी है, और दूसरा अचानक पत्थरबाज कहाँ से आ गए? देखिए, जब रात को इनकाउंटर शुरू हुआ तो उसी वक्त जो है जो सूचना मिल रही है कि उसी वक्त जो है वो कुछ मस्जिदों में जो है ऐलान होने लगा कि जो पत्थरबाज है वो घरों से निकले और वहां पर जो सुरक्षा बल जब ऑपरेशन शुरू किया उनको कहीं ना कहीं रोके और उसी चीज को लेकर जो है क्वेश्चन भी शुरू हुई। हालांकि सुरक्षा बलों ने जब से ये हालात कश्मीर में बने हैं तब से ही एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं और पत्थरबाजों के लिए बंदोबस्त पहले से ही कर लेते हैं ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। अब वहीं अगर बात करें तो इस एनकाउंटर की, अभी भी एनकाउंटर चल रहा है, 2 से 3 आतंकी छिपे होने की खबर है और लगातार जो एनकाउंटर हुआ उसमें अभी तक 2 लोग जख्मी हुए हैं। सुरक्षा बलों के जवान में एक जो है वो जूनियर अफसर भी शामिल है। वही कोशिश यही है, कोशिश जल्द से जल्द इन छुपे हुए आतंकियों को जो है जल्द से जल्द जो है वो मार गिराया जा सके, क्योंकि जितना ज्यादा समय वहां इस एनकाउंटर में लगेगा उतना ही सुरक्षा बलों की चुनौतियां बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि जब भी इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, एनकाउंटर जो है उसी तरह से चलाया जाता है। तो अभी एनकाउंटर चल रहा है, कोशिश यही है जल्द से जल्द इन आतंकियों को जो है वो मार गिराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल इस जानकारी के लिए। आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखें, आपसे आगे की अपडेट ली जाएगी। 2 से 3 आतंकवादी घर के अंदर घुसे हुए हैं जिनके लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन राजीव जो बड़ी समस्या है वहां के स्थानीय लोग बने हुए हैं जो सुरक्षा बलों के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं।